तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं रूमी जाफरी और संदीप सिंह को लेके, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति हैं जो बाहर निकल के आते हैं और बोलते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ पिक्चर लाने वाले थे। लेकिन रूमी जाफरी तो ये कहते हैं कि भाई रिया चक्रवर्ती और सुशांत को लेकर इनकी पिक्चर आने वाली थी, और इन दोनों की पिक्चरों के ऊपर बात करेंगे कि आखिर कितनी ये जेन्युइन लगती है, कितनी इनकी बातें सच्ची लगती है, और कहीं एक झूठ तो नहीं, एक प्रपंच तो नहीं, आप लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए कोई साजिश तो नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस चीज को गंभीरता से समझिएगा। तो अब 14 जून को सुशांत की मृत्यु होती है, जब हम ये सब न्यूज में देखते हैं उसके बाद एकाएक रूमी जाफरी निकल के आते हैं, समझिए इस चीज को, और वो कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की भाई तारीफें करते, एक अच्छा व्यक्ति था, हसमुख था, मेरे भैया परिवार के साथ उसके अच्छे संबंध थे, सब अच्छी बातों के अंतर्गत ये जो मेन मकसद था जो कहते हैं रिया और सुशांत को लेकर इनकी एक पिक्चर आने वाली थी, और जो पिक्चर थी वो एक रोम कॉम थी, मतलब कॉमेडी भी थी और रोमांटिक भी थी। तो ये इनकी एक पिक्चर आने वाली थी लेकिन वो अब नहीं आ पाएगी, और यहां तक नहीं है, ये भी कहते हैं सुशांत इस पिक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत इसी पिक्चर को लेके, जो रिया और सुशांत को लेके आने वाली थी, इतना एक्साइटेड था कि उसको ये था जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो, क्योंकि ये पिक्चर शुरू करने वाले थे, समझ गए। रूमी जाफरी ने खुद ने कहा है, अब एक बार आप खुद इनके मुख से सुनो जब इन्होंने इंटरव्यू दिया तब इन्होंने क्या कहा, उसके बाद हम इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। शूटिंग शुरू होने वाली थी, स्क्रिप्ट लॉक हो गई थी हमारी, काफी एक साल से बात चल रही थी, एक सवा साल से, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट फाइनल किया, और सब्जेक्ट का मतलब हम लोग शूटिंग करने वाले थे ये मई से, लास्ट मंथ से। अच्छा। जो हमने प्लान किया था कि एक यहाँ पे सेट लगाएंगे बॉम्बे में, यहाँ मुहूर्त करेंगे, गाना पिक्चराइज करेंगे, अच्छा, क्योंकि वो डांसर बहुत शानदार था, उसको डांस का शौक भी था, और उतना अच्छा डांस, अभी तक उस फिल्म में उसने कहा कि इस फिल्म में मैं जो है ना तगड़ा डांस करना चाहता हूँ, मैं ठीक है तो यहाँ करेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग फिर कोई कहानी जो है वो नॉर्थ की और यूके की थी, कि यहाँ सेट लगा के करेंगे और फिर हम लोग यूके जाएंगे शूटिंग करने, और उसके बाद आके ठंड में इधर करेंगे नॉर्थ में, और पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। फिर जब मुझे मार्च में जब वो आया कि लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो होता ना अरे सर अब क्या होगा, मैं कुछ नहीं, लॉकडाउन अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, अपनी शूटिंग तो मई में, फिर वो बढ़ता गया, तो फिर ये हुआ कि हाँ अब शूटिंग जो है अभी पता नहीं कब होगी, लेकिन ये है, बल्कि उल्टा अभी मुझे याद है वो जब ये सब चला कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हो रहा कि शूटिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या गाइडलाइन होगी, यूनिट कैसे होगी, गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाएगी, इंडस्ट्री के लोग जब से अलाउ होगा, तो बल्कि मेरे अभी कुछ दिन पहले ये बात हुई तो उसने मुझे बोला कि काम करो सर, ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है ना, इसमें हमको यूके भी जाना है, नॉर्थ भी जाना है, तो ये हो सकता है हमको शूटिंग और कितना टाइम लगे अभी हवा में पता नहीं है, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट सोच लो आप जो छोटी यूनिट के साथ कम लोकेशन में एक सेट पे या छोटे प्रोमाइस में कोई शूटिंग हो सके, ऐसा कोई सब्जेक्ट सोच लो, तो अपन ये कर लेंगे लॉकडाउन खत्म होते ही और इसको फिर आगे कर लेंगे, ये उसने मतलब मैं सब्जेक्ट सोच भी रहा था, कई दोस्तों से मैंने डिस्कस किया। अच्छा, आप दूसरी फिल्म की बात करें, सुशांत ने आपको दूसरी फिल्म सजेस्ट की थी कि आप हाँ नहीं, उसने बोला कि अब ये लॉकडाउन हो गया, पता नहीं कब खत्म होगा, कब एब्रॉड जाएंगे शूटिंग करने, कब इंडिया में, कब यूनिट, क्योंकि फिल्म में 100-150 लोगों की यूनिट होती है ना? दूसरी फिल्म के बारे में आप सोच रहे थे सुशांत के साथ, बहुत सारे थे और सपोर्टिंग में, तो उसने मुझसे बोला कि सर एक काम करो, कोई ऐसा सब्जेक्ट सोच लो आप, जैसे लॉकडाउन खत्म होगी गाइडलाइन आ जाएगी कि भाई 25-30 लोगों के साथ शूटिंग कर सकते हो, है ना, या ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते, क्राउड नहीं बुला सकते, तो ऐसा सब्जेक्ट सोचो आप कोई भी जिसमें होता है ना कि एक दो लोकेशन, चार लोकेशन पे कम प्रमाइस में छोटी यूनिट के साथ कंप्लीट हो सके। तो मेरे जो कई खास दोस्त हैं जिनको मैंने इसके लिए फोन भी किया कि यार कुछ सब्जेक्ट हो तो बता, मुझे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए, मतलब कितने मैंने दोस्त हैं मेरे जिनको मैंने फोन किया। तो जो ओरिजिनल फिल्म शुरू करने वाले थे मई के एंड में, उसमें रिया चक्रवर्ती भी थी, उसके बारे में बताइए, फिल्म किस तरह की थी, रिया को भी आपने साइन किया था, ये पहली फिल्म होती सुशांत की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ, रिया क्या है, मेरी फिल्म जो मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन और इमरान के साथ मैंने बनाई है चेहरे, उसमें रिया है ऑलरेडी, और मैं उससे बहुत इंप्रेस, उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रोफेशनल है, और बहुत तो उसको तो मैंने उसको भी देखा, और सुशांत को मैं जानता हूँ क्योंकि वो थिएटर का है, मैं काम करता था जिस ग्रुप में, उसी में उस वो बाद में काम करता था। आप नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट में काम करते थे, आपकी मुलाकात सुशांत से वहाँ पे हुई थी? नहीं, मेरे वो मुझसे बहुत जूनियर है, लेकिन वो क्या है जब मेरे से मिला आके तो उसका ये हुआ कि सर कि मैं एकजुट में प्लेस करता था
फिर ये आया जब बॉम्बे, तो ये बोला सर आपकी बातें होती है इतना मजा आता है, आपके किस्से सुनता हूँ कि ये आप इस प्ले में आप ये रोल करते थे, इस प्ले में ये करते थे, मैं भी रोल करता हूँ उसमें। तो और दूसरी बात, मेरी फिल्मों का फैन था कि सर आपके मुझे एक पिक्चर आपके साथ करना है। ये डिसाइड करने के बाद हमने सब्जेक्ट ढूंढना शुरू किया था। मेरे घर आया, हम लोग घर बोला सर अब आप सब्जेक्ट फाइनल करो। ठीक है, सब्जेक्ट फाइनल किया। बहुत एक्साइटेड होंगे सुशांत रिया के साथ पहली बार काम करने को लेकर? हाँ एक्साइटेड था, मतलब वैसे भी वो बड़ा इन्वॉल्व एक्टर था। मतलब जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसने मुझे बोला भी, बोला सर एक काम करें अपन, आप जो है अपन रीडिंग शुरू करें, कम से कम रिहर्सल तो करें। तो मैंने कहा रिहर्सल के लिए भी तो आना जाना पड़ेगा, लॉकडाउन में क्या रीडिंग करें रिहर्सल करें। हाँ बोला नहीं थोड़ी छूट मिलेगी आने जाने की तो अपन शुरू कर देंगे। लेकिन क्या है, ये था कि वो लॉकडाउन जब भी आगे बढ़ता था तो अपसेट होता था। हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था, कितने निराश थे कि लॉकडाउन बार बार बढ़ रहा था। अच्छा रिहर्सल तो होता था क्या सर? तो इस बारे में क्या बात करते हैं, जब लॉकडाउन बार बार आगे बढ़ रहा था तो एक्सटेंड हो रहा था, इस बारे में किस तरह से अपनी निराशा जाहिर करते थे? निराशा नहीं, जैसे होता ना हमारा सबका रिएक्शन आता था कि अभी यार लगता है सब कल से ये अलाउड हो जाएगा जाएंगे, और फिर जैसे आता आगे बढ़ गया तो थोड़ा सा होता ना। लेकिन पॉजिटिव ये था कि सर हेल्थ पहले, ये बात उसकी वो थी कि सर अपन, ये मुझे भी बोलता था, जैसे मेरी फैमिली को बहुत चाहता था, मेरे बच्चों को, कि सर लॉकडाउन खत्म भी हो जाए ना तो आप प्लीज साहिर अल्फिया मैम, मेरी वाइफ को मैम बोलता था, इनको आप सख्ती रखिएगा कम से कम 15-20 दिन, एक महीना के बाहर ना जाएं, नहीं तो लॉकडाउन खत्म होती घूमने निकल जाएंगे। तो रिया का नाम क्या सुशांत ने सजेस्ट किया था फिल्म नहीं, के लिए जरा नहीं, उसने सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि रिया ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रही थी है ना, और मैं उससे खुश था, और मुझे उसका मतलब फेस भी उसका इतना खूबसूरत है, काम भी इतना अच्छा करती है ना, और जो मेरा रोल था मैंने माइंड बना लिया था कि रिया को लेना है, तो मैंने रोल जब लिखा तो वो मैंने सोच के लिखा था। मतलब मेरी आदत ही, जितनी आप मेरी पुरानी फिल्म भी देखेंगे चाहे वो गोविंदा की हो सलमान की हो, मैं एक्टर के हिसाब से ही रोल। तो आप एक ऐसे निर्देशक हैं, ऐसे लेखक हैं जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत से टच में थे, 5 दिन पहले भी आपने कोई SMS किया था, उस SMS के बारे में बताइए। 3 को हुआ था मेरी, उसके एक दिन पहले मतलब 12th को मैंने उसको किया था, 12 तारीख को आपने मैसेज किया था, क्या मैसेज में लिखा था? नहीं क्या हुआ था, वो मैनेजर ने सुसाइड किया था, तो मैंने उसको फोन नहीं किया, मैंने कहा 10-50 लोग उसको मीडिया से लेकर इंडस्ट्री वाले फोन कर रहे होंगे, तो उस दिन 12 तारीख को मैंने उसको सोचा कि अब मैं उसको, तो मैंने उसको एक वॉइस नोट भेजा कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम अपना ध्यान रखो ये। तो फिर उसने मुझे बोला थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सर, मुझे हार्ट वार्ड हग हार्ट बना के भेजा, वो बोले बस सर जल्दी ये खत्म हो जाए, आपको मिस कर रहा हूँ, मिलते हैं। तो दिशा सालियान जो उनके एक्स मैनेजर थी, उनकी आत्महत्या से भी काफी हताश निराश थे? मेरी क्योंकि उसकी आत्महत्या के बाद बात नहीं हुई, तो मुझे पता नहीं कि वो हताश निराश कितना था क्या था, वो मेरी बात ही नहीं हो पाई उससे, मैसेज ही हुआ बस, वो भी 12 तारीख। इसके अलावा इंडस्ट्री में तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि वो एक आउटसाइडर थे, उसके अलावा जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म है उसका भी वो शिकार थे, कैम्पबाजी होती है, कई फिल्मों से उनको निकाला गया था, कई बैनर्स ने, बड़े बड़े बैनर्स ने उन्हें बैन किया था, इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, आपकी राय क्या है, आप क्या जानते हैं? देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इसके ये सब मैं सुन रहा हूँ कल से चैनल्स पे डिबेट वगैरह में, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। उसका रीज़न आपको बताऊँ क्या है कि आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट, आप इस इंडस्ट्री का बिजनेस कैसा होता है, कैसे काम करती है ये भी समझते हैं। अगर कोई प्लान करके कॉन्स्पिरेसी के थ्रू किसी का करियर बना सकता या बिगाड़ सकता, तो लोग कितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने बच्चों को स्टार बना चुके होते है ना, या बिगाड़ चुके होते। कोई किसी का करियर यहाँ बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, और यहाँ बाहर का हो चाहे अंदर का हो, यहाँ सिर्फ टैलेंट काम करता है। सुशांत बाहर का ही था, इंडस्ट्री का बच्चा नहीं था, उसके टैलेंट की वजह से उसको यशराज ने लिया, उसको लास्ट फिल्म साजिद नजरवाला ने लिया, नितेश तिवारी दंगल का डायरेक्टर आमिर के बाद उसने सुशांत को लिया। तो यहाँ टैलेंट की कदर है, वो टैलेंटेड था उसको लिया। मैं इंडस्ट्री में ना मेरा कनेक्शन है, ना बॉम्बे कभी जिंदगी में देखा, ना किसी को जानता था, भोपाल से यहाँ आया और आज। तो ये सब बातें जो है ना, मतलब अब बहुत सारे लोग मैंने देखा, किसी का नाम लेके मैं मतलब है ना, मैं बड़े कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाला आदमी हूँ, कि मैंने बहुत सारे ऐसी शक्लें देखी टीवी के ऊपर जो अपने फेलियर को सिस्टम पे ब्लेम डाल के तसल्ली देना चाहते हैं कि हम फेलियर इसलिए, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। अपनी कमी नहीं आंक रहे आप दोष देना चाह रहे हैं कि सिस्टम ऐसा है, मैं किसी कैंप में नहीं हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा भी नहीं था, सुशांत का भी नहीं था। लेकिन शेखर कपूर ने जिस तरह का ट्वीट किया है, आपने पढ़ा ही होगा, कि मैं आपका दर्द समझता था सुशांत, आप मेरे कंधे पे रोते थे, आपके साथ क्या कुछ बुरा हुआ मैं जानता हूँ, इस तरह का ट्वीट शेखर कपूर ने किया, जो उनके साथ फिल्म पानी बनाने वाले थे, जो यशराज प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन वो फिर फिल्म बनी नहीं। तो कहीं ना कहीं
शेखर कपूर भी इस ओर इंगित कर रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मुझे देखिए, मैं शेखर जी जो हैं उनसे क्या बात की, उसने क्या रोया मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन अब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं ना आदमी, मतलब मुझसे तो उसने ये शेयर किया कि मेरा सबसे ज्यादा वक्त खराब हो गया उस फिल्म में। मैंने अच्छी फिल्म छोड़ दी, मेरा वक्त उस पिक्चर की वजह से बहुत खराब हुआ, पानी फिल्म की वजह से। उन्होंने कहा ये सब चीजें जो क्या बताया था, थोड़ा बताइए पानी फिल्म की वजह से क्या क्या होने जाने दीजिए। मैं आपने जिक्र किया तो मुझे निकल जाता है ये सब कुछ नहीं है। आप बताइए ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, आपको बता, आप भी जानते हैं ये बिजनेस है। आज सुशांत जो है टॉप 10 हीरो में था, लास्ट फिल्म उसकी 150 करोड़ का बिजनेस की है। आज मैं जानता हूँ ना, मैं फिल्म शुरू कर रहा था उसकी क्या रिकवरी थी। यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे आप देखते हैं सुशांत से जो छोटे स्टार है उनको भी लेके फिल्म बनती है। फिल्म आज इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गई, इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ सबको डेली एक्टर चाहिए, इतनी फिल्म बनती है। तो आपको क्या लगता है फिर क्या वजह रही होगी? मुझे लोगों ने, जिनको पता है कि सुशांत से मेरा रिश्ता है, मेरी फिल्म कर रहा है, मुझे लोगों ने बोला कि यार एक नरेशन करा दे, मीटिंग करा दे। मैंने उससे बात की, उसने कहा सर अभी करना नहीं है तो मैं क्यों। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कि आप काम करता था, कम लोगों से मिलता था, ये सबको पता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी एक इतना सक्सेसफुल एक्टर जिसने अपनी अलग पहचान बनाई आउटसाइडर होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, आगे भी कई फिल्में करने वाले थे, क्या वजह आपको नजर आती है कि वो डिप्रेस थे, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे थे और आखिरकार उन्होंने बिना किसी को बताए आत्महत्या कर ली? हाँ, ये देखो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ये पता है डिप्रेशन में वो पहले भी गए थे। पहले मतलब कुछ 6 महीने पहले की बात होगी जा रही है, तब भी गया था डिप्रेशन में। और उस सबको, उसके जो करीबी लोग हैं उन सबको पता है, डॉक्टर्स को पता है, उसका इलाज भी चल रहा था, है ना, और अभी भी उसका इलाज चल रहा था, मेडिसिन वगैरह डॉक्टर। लेकिन क्या है, उस टॉपिक में मैं इसलिए नहीं छेड़ता था कि मेरा वो हीरो था, स्टार था। मैं उसको एक होता ना जानबूझ के, जब वो डिप्रेशन में था भी ना तो मैं मिलता था तो उसको हंसाता था, या वो मेरे घर बुला लेता था मेरे कि अच्छा खाना खाएंगे, ताकि खूब 2-4 घंटे हंसी मजाक गप्पे करेंगे। ताकि क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, मैं उससे इस टॉपिक पे बात नहीं करता था। उसका रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पता लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे घर आए और आपने बोला मेरे बच्चे को देखा, अरे यार बेटा तेरे पहली बार देखा, ये 10,000 रुपये रख, है ना। एक आपने मुझसे आके बोला कि यार उन्होंने सुना तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये लो 10,000 रुपये, तो मुझे खराब लगेगा, समझे ना। ये आर्टिस्ट बड़े वैसे भी नाजुक। लेकिन कभी सुशांत ने शेयर किया आपके साथ कि किस वजह से डिप्रेशन में है? चूंकि आप फिल्म बना रहे थे और एक नाटकों के जमाने से आप जानते हैं, एकजुट के जमाने, तो कुछ शेयर किया आपसे उन्होंने? बताऊंगा कब की बात है, मुझे लगता है 5-6 महीने पहले जब उसको एक बार डिप्रेशन में गया था, मैं उससे मिलने गया, उसने बुलाया तो मैंने बोला भी कि प्रॉब्लम क्या बताओ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे लगता मुझे काम ही नहीं करना चाहिए, मेरे को तो सर कुछ और ही करना चाहिए। मेरे को ये सब तो ये क्या रीजन क्या है, मतलब होता है ना, कुछ बताओ, कुछ रीजन नहीं है, बस सर अजीब सा लगता है, मन नहीं चाहता कुछ करने का। तो फिर क्या है, जब आदमी सामने वाला आपसे नहीं खुले तो मैं इंसिस्ट भी नहीं करता था, मेरा काम था उसको मैं हंसी मजाक। मैं ये है कि मुझे तकलीफ इस बात की है, इतनी तकलीफ है मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, कि मतलब ये उम्मीद नहीं थी। आदमी सोचता है ना कि यार टेम्परेरी है, निकल जाएगा, दवा से ठीक हो जाएगा, लास्ट टाइम भी तो हुआ डिप्रेशन में, तो निकल गया था। तो जब आपने, उन्होंने ये कहा कि मुझे काम करने का मन नहीं करता है, वजह उन्होंने नहीं बताई, तो और कुछ जानने की आपने कोशिश की कि क्यों उन्हें इतना अजीब लग रहा है? एक एक्टर हमेशा से, वो एक्टर बनना चाहते थे, उसके अजीब अजीब सपने थे। कभी बोलता था कि मेरे को पूरे हिंदुस्तान में ट्री जो है प्लांटेशन करना है, इतने लाख पेड़ लगाना है। कभी बोलता था मुझे बहुत साइंटिस्ट बनना है, कुछ चीजें इन्वेंट करना है, है ना। कभी बोलता था मुझे फार्मिंग करना है, मुझे खेती करना है। और उसने मुझे पावना डैम पे, उसका बहुत खूबसूरत लेक टच घर था जहाँ मैं भी गया हूँ, वहाँ पे हम लोग बोटिंग वोटिंग, तो वो पावना डैम, हाँ पावना डैम पे, तो वो काफी लोनावला के पास, हाँ लोनावला के पास, तो वहाँ पे उसका घर था बड़ा खूबसूरत, वो जहाँ पे लेक थी, हम मैं भी गया हूँ, मेरी वाइफ, हम लोग वहाँ बोटिंग वोटिंग की। तो वहाँ बोलता सर बस ऐसा जाता है, ऐसी जगह अकेला रहूँ। अच्छा, ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं थे, उसको पसंद ही नहीं था, स्टार था आदमी, मालूम है स्टार अगर चाहे तो कितनी कंपनी उसको खड़ी हो जाती है। तो उसका मिजाज थोड़ा था उसको, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्यों वो एक्टिंग छोड़ना चाहते हैं। हाँ नहीं, वहाँ का उसका माइंड होता था कभी मैं एक्टिंग छोड़ के खेती करूंगा, सर मजा नहीं आ रहा सर, है ना सर, मैं तो कुछ चीजें इन्वेंट करना चाहता हूँ। बड़ा शौक था उसको अलग अलग, वो टेलीस्कोप लाता था यहाँ बेंड्रा में भी, वहाँ पोनाड में भी, रात को सब गैलेक्सी देखता था, अलग अलग स्टार्स देखता था। तो दोस्तों आपने सुना रूमी जाफरी खुद किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को, अपना इतना घनिष्ठ बता रहे हैं, और किस तरीके से इन्होंने क्लियर कर दिया कि सुशांत और रिया की पिक्चर आने वाली थी। लेकिन एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, बहुत अच्छे से समझते हो आज तक भाई मीडिया हाउस में भाई काम करके, मुझे एक चीज तो समझ में आई है कि जब भी कोई पिक्चर आने वाली होती है उसके 1-2 साल पहले ही
उसकी खबर मीडिया के द्वारा, पीआर के द्वारा लीक करवा दी जाती है। बहुत अच्छे से आपने सुना होगा कि ये पिक्चर आने वाली है, लेकिन इस रूमी जैफरी और सुशांत की, जिसके लिए कहते हैं एक साल पहले ही इनकी भाई स्क्रिप्ट के ऊपर काम होने लग गया था, चालू हो गई थी हर चीज रिया और सुशांत को लेके, लेकिन कोई पिक्चर के ऊपर भाई कभी आज तक न्यूज नहीं आती। 14 जून 2020 से पहले एक आर्टिकल नहीं है, एक न्यूज नहीं है इसके ऊपर, लेकिन एकाएक इतनी तेजी से हाइप क्रिएट होने लगती है रिया चक्रवर्ती और सुशांत को लेके, एक रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर आने वाली थी। यानी कि दोनों कितने करीब थे, यानी कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत कितना प्रेम करते थे और कितना रिया चक्रवर्ती उनके लिए महत्व रखती थी। और इसमें एक चीज और प्रदर्शित होती है, क्यों ये झूठ है, कि आप अच्छे से जानते हैं कि भाई रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगे हैं कि भाई ये क्या धंधा चला रही थी और सुशांत को लूट रही थी। बहुत अच्छे से हमने देखा सुशांत के कार्ड्स के ऊपर ये भाई शॉपिंग करती थी, पैसा लूट रही थी। लेकिन यही रिया चक्रवर्ती, जब इस तरह का इनका भैया ये व्यक्ति पीआर करता है और बोलता है रिया के पास तो काम था, आप समझो, तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि रिया चक्रवर्ती लूटने वाली नहीं है, खून चूसने वाली नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट वुमेन थी। बट ऐसा नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, सुशांत के घर पे रहके सुशांत को लूटने का काम कर रहे थे। और नहीं तो आप समझो एक चीज और, रिया चक्रवर्ती, अब सुनो, रिया चक्रवर्ती के लिए क्या कह रहा है, सुशांत सिंह राजपूत ने इसको अप्रोच नहीं किया था रूमी जैफरी को कि रिया को साथ में लिया जाए, ये रिया को पहले से ही जानता था, रिया के साथ ये पहले से ही काम कर रहा था। तो यानी कि रूमी जैफरी रिया का पहले से ही घनिष्ठ है, खुद अपने मुख से बोला। तो आप इस चीज को बहुत क्लियरली समझ सकते हो कि रिया रूमी जैफरी आपस में मिलकर क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, दोनों जान के एक पीआर का काम कर रहे हैं, एक छवि भाई अपनी सुधारने का काम कर रहे हैं कि सुशांत के साथ इनकी पिक्चर आने वाली थी, जो इन्होंने स्टार्टिंग में सोचा। और मैं आपके सामने क्लैरिटी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि रिसेंटली फिर ये रूमी जैफरी आता है आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। पहले तो वही सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया, ऐसा कदम क्यों उठाया, इनका रटा रटाया गंदा डायलॉग, जब इन्हें पता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये सुसाइड है। क्लियर, आप समझ रहे हो, यही रूमी घटिया आदमी ये प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा आगे क्या कहता है, अब मैं ये पिक्चर नहीं बना सकता किसी और एक्टर को लेके, क्योंकि भाई सुशांत से मेरा जो लगाव था। तो आप यहीं पे समझ सकते हो ये व्यक्ति का षड्यंत्र, क्योंकि ये पिक्चर कभी आने ही वाली नहीं थी, क्योंकि सुशांत के जीवित रहते कभी इसके ऊपर कोई न्यूज नहीं आई। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनको लेके हर कोई आके कितने झूठे झूठे षड्यंत्र प्रपंच रच रहा है। और इसमें संदीप सिंह भी भाई कोसों दूर नहीं है, संदीप सिंह भी निकल के आता है और बोलता है कि मैं सुशांत के साथ एक पिक्चर करने वाला था, हम बिहारी लोग, और ऐसे ऐसी बातें करते हुए कैप्शन अपने इंस्टाग्राम पे डाल के ये पोस्ट करते हैं। आप क्लियरली यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका कैप्शन पढ़ सकते हो पॉज करके इस वीडियो को, और इन्होंने पोस्टर भी दिखाया है वंदे भारतम, जो इनकी मूवी आने वाली थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अब समझो वही चीज, आपका पोस्टर है, ठीक है, आप सुशांत के साथ एक पिक्चर करने वाले हो, सुशांत सिंह राजपूत एक्साइटेड है, वही सेम चीज है। लेकिन आज तक 14 जून से पहले ऐसी कोई खबर क्यों नहीं है, कोई ऐसी न्यूज क्यों नहीं आती, एकाएक सारी चीजें सुशांत की मृत्यु के बाद ही क्यों निकल के आती है, और मृत्यु के बाद पोस्टर भी आ जाता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई सुशांत की इस पिक्चर का पोस्टर भी था, सब कुछ था, लेकिन वो कभी आपने रिलीज नहीं किया, आपके पीआर के द्वारा किया नहीं गया। सुशांत की पिक्चर पानी आज तक रिलीज नहीं हुई, सबको पता है आने वाली थी, क्यों पता है, क्योंकि वो सही में एक प्रोजेक्ट था। लेकिन ना वंदे भारतम कोई सुशांत को लेके प्रोजेक्ट था, ना रूमी जैफरी की वो पिक्चर कभी सुशांत को लेके रिया को लेके प्रोजेक्ट थी। ये एक षड्यंत्र है सुशांत की मृत्यु के बाद ये जान के खुद की छवि सुधारने का, और सुशांत को जो इन्होंने बॉयकॉट किया वो दिखाने का कि हमने बॉयकॉट किया ही नहीं था, हम तो सुशांत के सबसे ज्यादा घनिष्ठ थे और संदीप सिंह सबसे अहम है, इसका पोस्ट करना। तो क्लियरली प्रदर्शित करता है जो व्यक्ति साल भर से सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं था वो सुशांत के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा है। वाह बेटा वाह, मतलब आप दोनों एक पिक्चर करने वाले थे वंदे भारतम, जिसका पोस्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन आप लोग टच में ही नहीं थे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही काम करता होगा, किसको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये संदीप सिंह अपनी छवि सुधारने के लिए सुशांत सिंह राजपूत का उपयोग कर रहा है, क्योंकि ये बुरा फंस चुका है, इसका षड्यंत्र, इसके गलत जिसने हरकतें की है, जिस तरह से ये इस पूरी केस में भाई एक गलत व्यक्ति प्रतीत हो रहा है, तो ये खुद को बचाने के लिए अब इस तरह के बयान दिया था। तो आप इस चीज को समझो दोस्तों, ये रूमी जैफरी, संदीप सिंह बेकार व्यक्ति हैं, ये सारे के सारे मिलके, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत के करीबी होने का ढोंग करते हैं, और असल में ये वो व्यक्ति हैं जो पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, और रूमी जैफरी के तो बयान आपके सामने हैं,
कि भाई अगर था तो आज तक कोई आर्टिकल क्यों नहीं है 14 जून से पहले, बाद में क्यों है? और सेम सवाल संदीप सिंह से भी खड़ा होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगर आपको ये समझ में आया, वीडियो पसंद आया, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि किस तरीके से आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप लोग ब्रेन वॉश नहीं हो रहे, लेकिन कितने लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।